हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट 350 रेंज आती है उनके बारे में। बेसिकली ये कंपैरिजन वीडियो है। तो जो ये पर्टिकुलर बाइक आप देख रहे हैं ये है किक स्टार्ट, और जो इसका डिज़ाइन है 1931 से लेके अब जो 2020 हो गए ये एकदम सेम है। तो ये तब भी ट्रेंडिंग में थी और अब भी ट्रेंडिंग में, तो काफ़ी पसंदीदार बाइक है जो आप ये किक स्टार्ट देख रहे हैं। और इसी की एक रेंज आती है जो ये है इलेक्ट्रिक स्टार्ट। इसको आप इलेक्ट्रा नहीं बोल सकते, जो रॉयल इनफील्ड ने इलेक्ट्रा को डिसकंटिन्यू कर दिया है, ये अब इलेक्ट्रिक स्टार्ट के नाम से रॉयल इनफील्ड इसको मार्केट के अंदर सेल कर रही है। तो ये कंपैरिजन वीडियो है। तो आपको जैसे इन दोनों बाइकों का प्राइस का डिफरेंस बताऊं तो 10,000 इनमें प्राइस का डिफरेंस है। तो आपको इस वीडियो देखकर आपको एक प्रॉपर चॉइस क्लियर हो पाएगी कि आपको किक स्टार्ट परचेज करनी चाहिए या फिर 10,000 एक्स्ट्रा रुपीज पे करके ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट परचेज करनी चाहिए। तो जो रॉयल इनफील्ड है वो इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है ये, जो जिसकी प्रोडक्शन अभी तक कंटिन्यू है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 गवर्नमेंट को मोटरसाइकिल की जरूरत थी आर्मी के लिए, ताकि वो पेट्रोलिंग कर पाए अपनी कंट्री के बॉर्डर के अक्रॉस। तो 1952 में रॉयल इनफील्ड बुलेट चूज की गई इस काम के लिए। फिर 1954 में गवर्नमेंट ने 800 यूनिट ऑर्डर किए 350 क्लासिक मॉडल के। देन इन 1955 में रेडिज कंपनी मद्रास इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने इनफील्ड इंडिया की शुरुआत की। तब के बाद से अपने इंडिया के अंदर बाइकें मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, और सबसे पहले अपनी 350cc के अंदर आई थी, और फिर तब के बाद से इसकी काफ़ी सारी बाइकें आती गईं। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इनके डिज़ाइन को लेकर। तो सबसे पहले जैसे आप ये किक स्टार्ट देखोगे तो इसके अंदर जैसे आप ये रिम्स देख रहे हो ये आपको सिल्वर फिनिश के अंदर आते हैं, बट जैसे इसका एक और वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको ये ब्लैक कलर के अंदर भी मिल जाएंगे। बट जैसे आप स्पोक्स देख रहे हो ये आपके सिल्वर फिनिश के अंदर ही रहेंगे। जो आप ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट देख रहे हो ES, तो इसके अंदर रिम्स आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, और जो स्पोक्स है ये आपको जिंक प्लेटेड ही मिलेंगे। दोनों बाइकों में इसमें टेलीस्कोपिक आपको इसमें सस्पेंशन मिलते हैं, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी दोनों बाइकों के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो ये किक स्टार्ट आप देख रहे हो इसके अंदर जो एक और वेरिएंट आता है उसमें जैसे आप ये टर्न इंडिकेटर्स हैं बेसिकली आते तो हेलोजन में ही है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश का देखने को मिलेगा। पर जो दूसरा वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट ही आते हैं जो ES वेरिएंट आता है। अब इसके जैसे आप इंजन देखोगे बेसिकली दोनों बाइकों के अंदर सेम ही आते हैं, 346cc का आता है, 19.1 BHP प्रोड्यूस करता है और 28 Nm ऑफ टॉर्क। अब जो इस जो ये पर्टिकुलर इंजन है ये आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा, और जो ये ES है इसके अंदर आपको प्योर जो पूरा एक ब्लैक कलर का इंजन देखने को मिलेगा। पर जो इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है उसमें क्या है, जो इतना पार्ट है वो आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेगा। बट जो इस वाली बाइक है जो ये वाला वेरिएंट है इसके अंदर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा, जो क्रोम फिनिश है जो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो मैट में जो सिल्वर फिनिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जैसे इनके टैंक पे पहले हम इस वाली बाइक की बात करें, जो आप टैंक का ये वाला डिज़ाइन देख रहे हैं पर्टिकुलर, तो ये हैंडमेड डिज़ाइन है, और इसके अंदर रॉयल इनफील्ड के अंदर दो ही पर्सन है जो इस डिज़ाइन को बनाती है। कुछ ऐसा नहीं है कि मशीन से डिज़ाइन किया हुआ है, तो मतलब एक लेगेसी मेंटेन करने के लिए रॉयल इनफील्ड ने ऐसा ही किया हुआ है कि ये डिज़ाइन हैंडमेड ही हो। बेसिकली इसको मशीन से भी कर सकते हैं बट ये हैंडमेड ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जैसे इसके टैंक देखेंगे तो 13.5 लीटर का आता है, और जो इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है उसमें आपको यहाँ पे स्टिकर मिलेगा, बट इसके अंदर यहाँ पे रॉयल इनफील्ड इस टाइप का ही देखने को मिलेगा। जो ये ES है इसके अंदर रॉयल इनफील्ड आपको 3D टाइप में देखने को मिलेगा, 13.5 लीटर दोनों के अंदर ही आता है जो इसका टैंक है, और जो 2 लीटर इसके अंदर आपको रिजर्व फ्यूल भी मिल जाएगा। जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये आपको मेटल में ही मिलेगा, और इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगा दोनों बाइकों में। और इस साइड में जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपके टूल किट्स वगैरह और फ्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको जो एयर फिल्टर है वो देखने को मिलेगा। बुलेट 350 की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो इसके मड गार्ड है फ्रंट और रियर वो आपको दोनों स्टील के अंदर ही मिलेंगे। जो इलेक्ट्रा के अंदर आते थे उसमें आपके मड गार्ड अलग आते थे, बट ये ES है तो इसके अंदर जो मड गार्ड है 350 जो आती है बेसिकली जो बुलेट 350 रेंज है उसी टाइप के मडगार्ड मिलेंगे। अब इनके जैसे आप दोनों के रियर व्हील देखेंगे तो वो आपको 19 इंचेस के ही मिलते हैं। जो फ्रंट टायर था वो भी 19 इंचेस का था, और जो फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक था वो आपको 280 mm का मिलता था दोनों बाइकों के अंदर। इन दोनों बाइकों में आपको सिंगल चैनल ही ABS आता है। सिंगल चैनल ABS मतलब जो फ्रंट फ्रंट में मिलते हैं,
बट जो पीछे में आप देखेंगे तो आपको ये ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, आपको किक स्टार्ट में भी और जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। इन दोनों बाइकों में आपको जो पीछे वाला रियर डिस्क ब्रेक है वो क्लासिक 350 से अवेलेबल होता है, इन बाइकों में वो नहीं आता। जैसे आप इन दोनों बाइकों की टेल लाइट देखेंगे, जो इलेक्ट्रा आती थी उसके अंदर थोड़ी सी अलग टाइप की टेल लाइट आती थी, बट अब ये ES कर दिया है तो स्टैंडर्ड जो वेरिएंट आता है, जो किक स्टार्ट आता है, उसी टाइप की आपको इसमें टेल लाइट देखने को मिलेगी। हेलोजन बल्ब में ही इसकी टेल लाइट है और जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी इसकी हेलोजन बल्ब में ही दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा दोनों बाइकों के अंदर। अब जैसे इनकी एग्जॉस्ट पाइप देखेंगे तो उनका डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। अब मैं मोटा मोटा इन दोनों बाइकों में आपको डिफरेंस कि क्या है, तो एक तो कि रिम का डिफरेंस है और जो इसमें मेन डिफरेंस है वो है इसका सेल्फ स्टार्ट का। ES में देखोगे तो इंजन के यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ये सेल्फ स्टार्ट के लिए होता है, तो वो आपको इस किक स्टार्ट के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इन दोनों बाइकों के आपकी एग्जॉस्ट साउंड चेक कराता हूँ कि कैसे, तो पहले मैं स्टैंडर्ड की चेक कराता हूँ। तो एक हिडन फीचर इसका ये है, जैसे मान लो आप बाइक को साइड स्टैंड, मान लो आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है और बाइक को आप स्टार्ट करते हो और गियर में डाल के जैसे निकलने की कोशिश करोगे तो वो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। ये आपको दोनों बाइकों के अंदर मिलता है, रॉयल इनफील्ड की सभी बाइकें सभी के अंदर मिलता है। और एक और इसमें सेफ्टी फीचर आता है, जैसे आपकी बाइक मान लो नीचे लेट गई और आपकी बाइक स्टार्ट है तो वो इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, 75 डिग्री से जैसे ज़्यादा हुआ तो बाइक का इंजन है वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। जो ये लेटने वाला सेफ्टी जो फीचर मैंने आपको बताया वो वाला तो मैं आपको शो करके नहीं दिखा सकता, बट जो ये साइड स्टैंड वाला है ये मैं आपको शो करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एग्जॉस्ट साउंड आपको चेक कराता हूँ। स्टैंडर्ड की आवाज़ तो दोनों बाइकों में सेम ही आएगी, बट फिर भी आपको प्रॉपरली पता चल पाएगा कि दोनों बाइकों में कि कैसी क्या आवाज़ आती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड, तो पहले जो बुलेट के अंदर आते थे, जैसे बाइक को स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भरा टास्क होता था, जैसे उनके अंदर प्रेशर वगैरह बनाना पड़ता था, प्रेशर रिलीज़ करना पड़ता था, तो वो अब सारी चीज़ें बंद कर दी है। अभी मतलब थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, सिंपली आपको एक किक बिल्कुल प्यार से मारोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इन दोनों बाइकों का आपको सीटिंग चेक कराता हूँ कि कैसी है। पहले आप इनकी दोनों बाइकों की सीटिंग देखोगे तो आपको एक सिंगल ही सीट मिलती है, जैसे क्लासिक के अंदर रहती है स्प्लिट सीट वो नहीं मिलती है, सिंगल ही आपको सीट मिलती है। जो पीछे पिलियन के लिए सीट है आपको पीछे पकड़ने के लिए थोड़े से ग्रैब्स भी मिल जाएंगे, और ये आपको जैसे पिलियन वाली सीट है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। तो सबसे पहले इस जो किक स्टार्ट है इसका मैं कंफर्ट चेक कराऊं, तो मेरी हाइट 6 फीट है, तो आप मेरे जो फीट देख रहे हो प्रॉपरली फ्लोर को टच हो रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरी हाइट से छोटी हाइट वाला पर्सन भी चलाएगा, 5'6" वाला भी चलाएगा, तो उसके फीट भी प्रॉपरली मतलब फ्लोर को टच होंगे, तो उसको राइडिंग करने में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हैंडल बार पकड़ने का एंगल है वो इस टाइप का रहेगा, ये एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जैसे आप लॉन्ग जर्नी पर लेके जाओगे, या फिर आपकी जैसे और बाइकों में क्या होता है जैसे रेसिंग बाइक जैसे बोले तो आपका जैसे बैक वगैरह थोड़ी सी डाउन रहती है तो उससे बैक वगैरह में प्रॉब्लम आती है, बट इसके एकदम की बैक जो है प्रॉपरली स्ट्रेट रहेगी। आप हैंडल बार पर आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, एक तो किल स्विच मिलेगा आपको, और जो इसमें सेल्फ स्टार्ट का इसमें आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ही किक स्टार्ट ही आते हैं। और इस साइड में आपका हाई बीम, लो बीम और आगे पास का और ये इंडिकेटर का और नीचे हॉर्न का। बाइक में आपको सिंगल ही हॉर्न मिलता है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग में ही मिलता है, और जिसका ओडोमीटर वो भी आपको एनालॉग में मिलेगा। और यहाँ पे आपको कुछ जो हैजर्ड लाइट मतलब वार्निंग्स है वो आपको देखने को मिलेंगी, एक तो फ्यूल की, इंजन की और ABS की। तो अब मैं आपको इस जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है इसका कंफर्ट चेक कराऊँ कि कैसा है इसमें बैठने का जो कम्फर्ट है। तो जो बैठने में जैसे आपको कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा फील होगा। इनफैक्ट आप जो इसकी किक स्टार्ट है उस पर बैठोगे, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बैठोगे, रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक पर बैठोगे तो आपको मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप मतलब हाँ कुछ जो मतलब रोड प्रेजेंस इन बाइकों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसमें भी आपको वही सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, इस साइड में किल स्विच और जो इसमें एक एक्स्ट्रा बटन ऐड हो जाएगा वो इसमें एक सेल्फ स्टार्ट का ऐड हो जाएगा। इस साइड में जो हाई बीम, लो बीम, पास, टर्न इंडिकेटर और जो हॉर्न का मिलेगा, और सेम ही आपको इसमें मीटर देखने को मिलेगा। एक सेफ्टी फीचर मैं आपको इसमें शो करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने मान लो बाइक स्टार्ट की और ये मैंने जैसे गियर लगाया, और बाइक मान लो आपकी बाइक जो साइड स्टैंड है वो अंगेज है तो ये बाइक आपकी
बंद हो गई। तो एक इसमें ये सेफ्टी फीचर ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया। कई बार क्या होता है जैसे आप साइड स्टैंड लगा के भूल जाते हो, तो ये एक सेफ्टी फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आपको रॉयल इनफील्ड की बाइक की किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई राइडिंग से रिलेटेड क्वेरीज हो, टेस्ट ड्राइव लेनी हो, कोई कलर हो, या फिर जैसे आप ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसमें लोअर सेगमेंट की बाइकें मिलेंगी, सारी ऊपर की सेगमेंट मिलेगी, जैसे इंटरसेप्टर होगी या फिर कॉन्टिनेंटल जीटी होगी, तो आप इस जो पर्टिकुलर शोरूम का एड्रेस है वो ओडिसी ऑटोमोबाइल है, और ये एड्रेस है VPO मानेसर मेन बस स्टैंड के पास, और जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है सेल्स पर्सन का वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ये कुछ पॉइंट्स थे जो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 की रेंज आती है इलेक्ट्रिक स्टार्ट एंड किक स्टार्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके ये मेरी वीडियो पसंद आई है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।